हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो नेक्स्ट यूनिट से रिलेटेड है एंड दिस यूनिट इज़ द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वी विल स्टडी अबाउट दी LT स्विच गियर, यानी कि लो टेंशन स्विच गियर के इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि स्विच फ्यूज यूनिट आएगी। उसके बाद जो है वो MCB के बारे में जानेंगे, MCCB के बारे में जानेंगे और ELCB के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अर्थिंग और उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप की अर्थिंग होती है, उस सब के बारे में जानेंगे। और हमारा जो थर्ड लेक्चर रहेगा इस यूनिट से रिलेटेड, उसमें हम पावर मेजरमेंट एंड वेरियस मेथड्स ऑफ द पावर मेजरमेंट एंड एनर्जी कंजम्पशन, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होता है उसके बारे में, किस तरह से हम एनर्जी कंज्यूम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं सबका अपने इस लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इस लेक्चर से स्टार्ट करता हूं, जो उसमें कि लेआउट ऑफ LT स्विच गियर, स्विच फ्यूज यूनिट, MCB, ELCB और MCCB के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस लेक्चर में जो है वो, जैसा कि आपको बताया कि लेआउट ऑफ LT स्विच गियर, व्हाट इज द LT स्विच गियर है क्या, इसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो स्विच गियर इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्कनेक्ट स्विचेस। सब अगर मैं सिंपल स्विच की बात करूं तो वो भी एक डिस्कनेक्ट स्विच है, लेकिन जो हमारे स्विच जो है वो ऑटोमेटिक कंडीशन में काम करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आपके घर में जैसे ही कहीं पर ही कोई ओवरलोड होता है या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो ऑटोमेटिक जो है वो सप्लाई ऑफ हो जाती है और आप जा कर के देखते हो कि हमारी MCB जो है वो ऑफ हो गई है। उसको वापस से ऑन करते हो तो वापस से सप्लाई जो है वो चालू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रोसेस ना हुआ होता, ऑटोमेटिक स्विचिंग नहीं हुई होती, तो उससे क्या होता, अगर शॉर्ट सर्किट है तो इसका मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती और उसके बाद में वहाँ पर जो है वो पूरा जो वायर जो है, लाइन वायर, वो जो है वो वहाँ पर डैमेज हो जाता हैवी करंट की वजह से। तो इस तरह से जो है स्विचिंग इक्विपमेंट की वजह से हमारा जो सर्किट है वो बच जाता है। तो हम इसमें इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की, अगर पूरे सिस्टम की बात करें एज ए होल, यानी कि अगर मैं जो सिस्टम होता है जहाँ से सप्लाई आती है, जनरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्विच गियर लगे रहते हैं। तो उनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है वो फर्स्ट ईयर के लेवल के हिसाब से जानेंगे। तो स्विच गियर इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्कनेक्ट स्विचेस, फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स। यानी इसमें कौन कौन चीज़ें आ गई, डिस्कनेक्ट स्विचेस आ गए, फ्यूजेस आ गए और सर्किट ब्रेकर्स आ गए, विच इज़ यूज टू कंट्रोल, प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट अवर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, क्लियर फॉल्ट डाउनस्ट्रीम। मतलब क्या हुआ इसका कि डी एनर्जाइज इक्विपमेंट, यानी कि एनर्जी देना बंद कर देते हैं स्विच गियर, स्विचेज जो होते हैं वो, अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो सब इक्विपमेंट को एनर्जी नहीं मिलेगी। एंड टू अलाउ वर्क टू बी डन एंड टू क्लियर फॉल्ट डाउनस्ट्रीम, यानी कि हम ये भी करते हैं कि जब हमें वर्क उस पर अलाउ करना होता है तो हम उसको कट ऑफ कर देते हैं, और जब हमारा वर्क हो जाता है तो उसको ऑन कर देते हैं। और एंड टू क्लियर फॉल्ट डाउनस्ट्रीम, यानी कि जब हम उसको डिसअलाउ करेंगे तब हम क्या करेंगे, जो भी फॉल्ट आ रहा होगा डाउनस्ट्रीम में उसको हम क्लियर करेंगे। तो स्विच गियर का हमारा वास्तव में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बाद है, दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज डायरेक्टली लिंक टू द रिलायबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। स्विच गियर में जो 1 kV तक के जो स्विच गियर होते हैं वो हमारे लो वोल्टेज स्विच गियर कहलाते हैं, यानी कि हम उसको बोलते हैं LT स्विच गियर्स। तो द टर्म LT स्विच गियर जो है वो इंक्लूड करता है वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स को, यानी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स को। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, इसमें सीरीज में स्विचेस हो जाते हैं, ऑफ लोड इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर्स होते हैं, तीसरा जो है वो HRC फ्यूजेस होते हैं, चौथा जो है वो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जिसको हम ELCB बोलते हैं। इसके अलावा MCB होती हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है वो भी होते हैं, और जो फाइनली जो है वो मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर्स हैं ये भी आ जाते हैं, यानी कि MCCB जिन्हें बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप एक बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम देख रहे होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ये जो आपने देखा होगा कि कहीं आप किसी उसमें गए होंगे, सब स्टेशन में अगर कहीं आप गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि इस तरह से एक कंट्रोल पैनल होता है, तो कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम के अंदर जो है वो इस तरह के कुछ एलमीरा टाइप की बॉक्सेस, एलमीरा टाइप की लगी रहती हैं, और उसके अगर दरवाजे को खोल के देखा जाए तो इस तरह के ये जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो बहुत सारे इक्विपमेंट के थ्रू आगे बढ़ती है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, दिस इज कॉल्ड एज द बस बार। उसके बाद ये सभी जो है वो स्विचेस लगे हुए हैं, फ्यूजेस लगे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो यहाँ अगर मैं इस लाइन डायग्राम से समझूँ, जब 11 kV की जो सप्लाई है वो यहाँ पर फीडर के थ्रू आ रही है,
और उसके बाद ये आइसोलेटर लगा हुआ है, यानी कि अगर इसको हमें आइसोलेट करना है, अगर इस सप्लाई को इधर से आगे बढ़ने नहीं देना है तो इस आइसोलेटर को हम यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, उसके बाद में जो है वो यहाँ पर आउटपुट केबल बॉक्स के थ्रू यहाँ आगे सप्लाई बढ़ती है, और साथ के साथ जो है वो मीटरिंग यूनिट भी है जो कि जिसमें कि सीटी लगी हुई है और पीटी लगी हुई है, जो कि सीटी जो है वो करंट को मेजर करने के काम आती है और पीटी जो है वो पोटेंशियल मेजर करने यानी वोल्टेज को मेजर करने के लिए काम आती है। उसके बाद ये सप्लाई जो है वो आगे बढ़ करके हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को दे देते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो 11 kV की सप्लाई जो यहाँ से आ रही थी यानी 11,000 वोल्ट की सप्लाई जो आ रही थी उसको 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। फिर उसके बाद में ये सप्लाई जो है वो आगे के लिए दे दी जाती है, जैसे कि हमारे जो सपोज में अपने जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, मान लो कि आप लोग जहाँ भी रहते होंगे तो वहाँ पर शहर से दूर बाहर जैसी सप्लाई आती है वो बहुत हाई वोल्टेज पर रहती है, उसके बाद जो है वो कंट्रोल रूम में आती है, उसके बाद में जो है वो वहाँ पर इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है और भी बहुत सारे जो हैं वो वहाँ इक्विपमेंट लगे रहते हैं। तो ये जो हैं जितने भी यहाँ पर जो कंट्रोल रूम में लगे होते हैं ये सब जो है वो स्विच गियर्स हैं। इन स्विच गियर के थ्रू आगे जो अलग अलग एरियाज हैं वहाँ के लिए जो है सप्लाई ट्रांसफ़र कर दी जाती है। स्विच फ्यूज यूनिट MCB, ELCB एंड MCCB। अब इन सभी स्विच फ्यूज यूनिट को और स्विचेस को हम जो है वो वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है स्विच फ्यूज यूनिट आता है, यानी जैसा इसका नाम कहला रहा है स्विच फ्यूज यूनिट, यानी कि एक ये दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है वो कहला रहा है स्विच और दूसरा होता है फ्यूज। तो व्हेन वी ऑपरेट द ब्रेकर, जब हम ब्रेकर को हम ऑपरेट करते हैं द कॉन्टैक्ट विल गेट क्लोज थ्रू स्विच, यानी कि कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो स्विच के थ्रू जुड़ जाते हैं, एंड देन द सप्लाई विल पास थ्रू द फ्यूज यूनिट, और सप्लाई जो है वो फ्यूज यूनिट के थ्रू पास होने लगती है। तो यहाँ से द स्विच फ्यूज यूनिट इज यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज। स्विच फ्यूज यूनिट जो होती है यानी कि इसमें जो है वो स्विच भी होता है और फ्यूज भी होता है, दोनों चीज़ें रहती हैं। तो ये किस काम आता है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई फॉल्ट आएगा तो सर्किट को हमें आइसोलेट करना होगा, तो आइसोलेशन ऑफ द सर्किट के लिए भी है और दूसरा जो है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट इन केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, यानी कि जब भी शॉर्ट सर्किट होगा उससे जो है सर्किट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो स्विच फ्यूज यूनिट के अलावा जो हमारे दूसरे जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनमें सबसे पहला सर्किट ब्रेकर है वो MCB कहलाता है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं MCB, लेकिन इसका जो हमारा फुल फॉर्म है वो कहलाती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन MCB जो है वो उसमें क्या चीज़ होती है, यानी कि इसकी जो रेटेड करंट है वो 100 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होती है। रेटेड करंट नॉट मोर देन 100 एम्पियर। नॉर्मली ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट एडजस्टेबल, यानी कि इसकी जो ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि कितनी एम्पियर इसके अंदर मैक्सिमम जाने पर ये ट्रिप हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक जो है वो ऑन और ऑटोमेटिक जो है वो ऑफ हो जाएगी, वो हम उसको ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन इसकी रहती है। इसके अलावा जो है MCB है, MCB में क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में MCB इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच गार्ड्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम एन ओवर करंट दैट में इफेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट ओवरलोड और इम्परफेक्ट डिजाइन, यानी कि सीधी सी बात भाई रही, जो सभी का यही काम है, जो इसका कोई अलग से नहीं है, वही चीज़ है कि जब कोई भी ओवर करंट होगा तो यानी कि शॉर्ट सर्किट होगा, ओवरलोड या कुछ भी हो, इस तरह की चीज़ों में ये जो ऑपरेट करेगी, तो दिस इज़ ए बेटर ऑप्शन टू ए फ्यूज यूनिट। यानी कि यहाँ पर क्या है, वहाँ क्या होता है जब करंट ज़्यादा फ्लो करती है तो फ्यूज जो है वो ब्लो कर जाता है, यानी कि फिर हमको फ्यूज बदलना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, कोई फ्यूज का अरेंजमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब कोई फ्यूज का अरेंजमेंट नहीं है तो जब कोई भी फॉल्ट की कंडीशन अगर होगी तो जो मिनीचर सर्किट ब्रेकर का ऑन ऑफ वाला प्रोसेस है यानी ऑफ हो जाएगा और सर्किट से सप्लाई जो है वो ऑफ हो जाएगी, और जब आपने फॉल्ट को रेक्टिफाई कर लिया तब आप उसको जा करके ऑन कर सकते हो। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता है। दिस इज ए बेटर ऑप्शन टू ए फ्यूज सिंस इट डज नॉट रिक्वायर अल्टरनेट वन एन ओवरलोड इज आइडेंटिफाइड। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब भी कोई ओवरलोड होगा तो उस केस में जो है वो हमें कोई भी इस तरह कोई फ्यूज का अरेंजमेंट नहीं है तो हमें जो है वो फ्यूज को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन राइट वायरिंग सिस्टम के द MCB इज ए ब्लेंड ऑफ ऑल थ्री फंक्शंस। कौन कौन से, MCB में तीनों चीज़ें होती हैं, क्या होता है जिससे प्रोटेक्शन होता है, शॉर्ट सर्किट, पहला शॉर्ट सर्किट है, दूसरा ओवरलोड है, एंड तीसरा जो है वो स्विचिंग, जब हम चाहें तब उसकी स्विचिंग कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ओवरलोड बाय यूजिंग ए बायमेटालिक स्ट्रिप एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन बाय यूज़ ऑफ सोलिनॉइड, यानी कि ये अरेंजमेंट रहता है इसके अंदर, बायोमेटेलिक स्ट्रिप एंड सोलिनॉइड का अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से ये ऑपरेट करती है।
फॉल्ट कंडीशन में द नॉर्मल करंट रेटिंग जो है इसकी 0.5 एम्पियर से लेकर के 63 एम्पियर तक रहती है। यहाँ पर आपको कुछ आपने अपने घरों में भी देखे होंगे कुछ इस तरह के जो है स्विचेस लगे रहते हैं जहाँ पर आपका मेन बोर्ड होता है। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज द सिंगल वन पोल MCB यानी सिंगल पोल MCB और ये जो है वो टू पोल MCB है। ये थ्री पोल सिंगल पोल टू पोल का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर सिंगल पोल वन केवल एक, यहाँ पर दो वायर्स को आपने जो है डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर तीन को आप एक साथ ही जो है वो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हो, और ये जो है वो आपका फोर पोल विद न्यूट्रल पोल सिर्फ नेसेसरी यानी सभी के लिए, यानी कि तीनों फेज और न्यूट्रल को जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो थ्री पोल एंड न्यूट्रल MCB ये कहलाती है। अगला जो आपका स्विच का प्रकार है दैट इज कॉल्ड एज द MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर की जो कैरेक्टरिस्टिक है इनकी रेंज जो होती है वो 1000 एम्पियर तक रहती है। ट्रिप करंट जो होती है वो यहाँ पर एडजस्टेबल रहती है। वहाँ पर इससे पहले वाला जो आपने पढ़ा था उसमें ट्रिप करंट जो है वो एडजस्टेबल नहीं होती है। थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन इसकी रहती है। MCCB यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स हैविंग शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन। वही चीज़ें जो आपने भी पढ़ी थी पहले दूसरे में भी, दे ऑफर शॉर्ट सर्किट एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन फॉर सर्किट। यहाँ पर जो है वो रेंज बढ़ गई कितनी, 63 से लेकर के 3000 एम्पियर्स तक रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ MCCB इज टू गिव ए मीन्स टू मैनुअली ओपन ए सर्किट, यानी कि यहाँ पर क्या है कि आप इसको मैनुअली भी ओपन सर्किट को ओपन कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो एक तरीके से। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। ऑटोमेटिकली ओपन भी होगी जब कोई फॉल्ट अकर होगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन ही आएगी या फिर ओवरलोड कंडीशन होगी। इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवर करंट मे रिजल्ट फॉल्टी डिजाइन, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवर करंट जो होती है मे रिजल्ट फॉल्टी डिजाइन। द MCB इज एन ऑप्शन टू ए फ्यूज सिंस इट डज नॉट नीड एन ऑल्टरनेट वंस एंड ओवरलोड इज नोटिस, यानी कि भाई सेम चीज़ें हैं यहाँ पर, ऐसे आपको बताया था कोई भी फ्यूज नहीं है तो आपको किसी तरह से कोई भी ऑल्टरनेट जब भी ये ऑपरेट करेगी तो इसका मतलब ये है कि आपको इस तरह के फ्यूज का कोई भी अरेंजमेंट अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसा कि आप स्विच फ्यूज यूनिट में करते थे। अनलाइक फ्यूज दिस सर्किट ब्रेकर कैन बी सिंपली रीसेट आफ्टर ए मिस्टेक एंड ऑफर्स इन्हांस्ड ऑपरेटर सेफ्टी। ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है वो सेफ्टी जो होती है वो हमें अच्छी मिलती है। जनरली दी सर्किट्स हैव थर्मल एलिमेंट फॉर ओवर करंट एंड द मैग्नेटिक एलिमेंट फॉर शॉर्ट सर्किट रिलीज टू वर्क फास्टर, यानी कि ये वर्क बहुत तेज़ी से करती हैं जब भी कोई शॉर्ट सर्किट या इस तरह कोई भी अनवांटेड कंडीशन अराइज होती है। वो किसकी वजह से होती हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेटिक एलिमेंट होता है, थर्मल एलिमेंट होता है। थर्मल एलिमेंट है कि जैसे ही अगर कहीं पर भी ज़्यादा करंट फ्लो की तो इसका मतलब वहाँ पर हीट जल्दी से डेवलप होगी और वो ये ऑपरेट कर जाएगी। और दूसरा मैग्नेटिक एलिमेंट भी काम करना शुरू कर देता है जिससे कि ऑन ऑफ स्विच होना शुरू कर देता है। तो अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MCCB एंड MCCB। तो दीज आर द सम दीज फाइव पॉइंट डिस्क्राइब्स हियर कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि पहला आपको बता रहे हैं मिनीचर सर्किट ब्रेकर कहलाता है, दूसरा जो है वो मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर कहलाता है। यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो 125 एम्पीयर से और ये 1600 एम्पीयर तक रेंज में रहती हैं। इट्स इंटरप्टिंग करंट रेटिंग जो है वो 10 किलो एम्पीयर तक रहती है, यानी 10000 एम्पीयर तक रहती है, और इसकी जो इंटरप्टिंग करंट रेंज है वो 10000 से लेकर के 85000 एम्पीयर तक रहती है। इसके अलावा MCCB मेनली यूज फॉर लो ब्रेकिंग कैपेसिटी एंड डोमेस्टिक रहती हैं, यानी कि लो ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं, डोमेस्टिक रूप में यूज करते हैं। इसको जो है वो हम इंडस्ट्रियल यूज में लेते हैं और हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रिप की है वो नॉर्मली एडजस्टेबल नहीं होती है MCCB की, जबकि जो ट्रिप करंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ पर MCCB की वो एडजस्टेबल रहती है फॉर ओवरलोड एंड मैग्नेटिक स्टीयरिंग। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो ELCB आता है कि व्हाट इज ELCB, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द ELCB स्विच, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। दिस सर्किट ब्रेकर कनेक्ट द फेज अर्थ वायर एंड न्यूट्रल, यानी कि ये जो सर्किट ब्रेकर है वो फेज वायर को भी कनेक्ट करता है, अर्थ वायर को भी करता है और न्यूट्रल वायर को भी करता है। द वर्किंग ऑफ दिस सर्किट ब्रेकर डिपेंड्स ऑन करंट लीकेज, यहाँ पर जो वर्किंग डिपेंड करती है वो करंट लीकेज पर डिपेंड करती है। ELCB यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक लीकेज, जैसा कि मैंने भी बताया था जब भी इलेक्ट्रिक की लीकेज होगी तो ELCB जो है वो सर्किट को उस समय
ऑपरेट करके प्रोटेक्ट करेगी। वैन समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक, अगर किसी को जो है वो लीकेज की वजह से, सपोज हमारी फ्रिज है, आपने देखा हो जनरली बारिश के दिनों में जो है ना फ्रिज में करंट आने लगता है, तो जैसे ही कोई उसको छूता है तो उसको शॉक लगता है, करेंगे वैन समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक देन दिस सर्किट कट्स ऑफ द पावर एट द टाइम ऑफ 0.1 सेकेंड, यानी कि बहुत ही कम सेकेंड में 0.1 सेकेंड फॉर प्रोटेक्टिंग द पर्सनल सेफ्टी, तुरंत जो है वो पर्सन को सेफ जोन में लेकर के जाएगी, यानी कि पर्सनल सेफ्टी के लिए 0.1 सेकंड का ही केवल समय लेगी। इसका ईएलसीबी इज ए सिक्योरिटी डिवाइस यूज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम विद हाई अर्थ इंपीडेंस टू अवॉइड शॉक, यानी कि शॉक नहीं लग पाता है क्योंकि 0.1 सेकंड में ही ये ऑपरेट कर जाती है और अर्थ इंपीडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। द मेन प्रिंसिपल ऑफ अर्थ लीकेज प्रोटेक्टर्स इज टू स्टॉप इंजरी टू ह्यूमंस एंड नेचर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, अर्थ लीकेज प्रोटेक्टर्स यानी कि इंजरी से बचाना ह्यूमंस को और नेचर्स को, जो हमारी बर्ड्स वगैरह इन सभी को। द सर्किट ब्रेकर इज एक स्पेशलाइज काइंड ऑफ लैचिंग रिले, इसके अंदर क्या होता है, एक लैचिंग रिले रहती है इस सर्किट ब्रेकर में, लैचिंग रिले दैट हैज स्ट्रक्चर्स इनकमिंग मेन्स पावर कनेक्टेड थ्रू इट स्विचिंग कॉन्टैक्ट, ये स्विचिंग कॉन्टैक्ट से जिस आपकी मेन पावर आ रही है लोड के लिए जा रही है, RYB यानी कि तीनों फेज और दूसरा जो है वो न्यूट्रल, और ये जो है वो कंट्रोल सर्किट के लिए जहाँ से सप्लाई गई हुई है रिले के लिए थ्रू इट्स स्विचिंग कॉन्टैक्ट, सो दैट दिस सर्किट ब्रेकर डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई इन एन अनसेफ कंडीशन। द ELCB नोटिसेस फॉल्ट करंट्स फ्रॉम लाइव टू द ग्राउंड वायर इनसाइड द इंस्टॉलेशन इट गार्ड, यानी कि ये जो है वो हर समय नोटिस करती रहती है ये रिले कि कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है किसी भी फेज में या न्यूट्रल में, इस तरह से कोई फॉल्ट जैसे ही आता है वैसे क्या होता है, इफ इनफ वोल्टेज इमर्जेस अक्रॉस द सेंस कॉइल इन द सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर जो सेंस कॉइल है वहाँ पर जो है वो जैसे ही कोई इस तरह की कोई चीज़ सेंस होती है कि इनफ वोल्टेज आ गया या कुछ रहा इस तरह चाहिए, तो इट विल टर्न ऑफ द सप्लाई एंड स्टे ऑफ अनटिल रीसेट बाय हैंड, यानी कि ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर देती है और ये सारे के सारे स्विच जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अगर कोई भी फॉल्ट अकर होता है, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देती है तो हमारा जो लोड है वो भी बच जाता है। तो इस लेक्चर में आपने जो है वो LT स्विचियर से रिलेटेड जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस आपने पढ़े, सबसे पहला जो था वो हमारा स्विच फ्यूज यूनिट थी, उसके अलावा फिर हमने मिनी MCB के बारे में पढ़ा, फिर MCCB के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो है वो ELCB के बारे में पढ़ा। क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ELCB पर भी आता है कि ELCB क्या होती है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसको ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना है, उसकी वर्किंग क्या होती है, इसके अलावा MCCB और ELCB में क्या डिफरेंस होता है, MCB और ELCB में क्या डिफरेंस होता है, या फिर MCB और MCCB में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप एक बार को जा करके किसी भी सब स्टेशन में जा करके वहाँ थोड़ी देर को रिक्वेस्ट करके वहाँ के अंदर जो कंट्रोल रूम होता है उसको आपको देखना है, और मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझा होगा आपने, जनरल लेक्चर है और सभी के घरों में काफ़ी इस तरह स्विच लगे रहते हैं, आप उनको एक बार को जरूर देखिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिएगा। तो मैं यहाँ पर अपना लेक्चर स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।